तुम कहां से आ रहे हो यार? वो सुबह शूटिंग के कुछ इंतजाम करने थे। टाइम क्या हुआ है? टाइम तो काफी हो गया। चलो आओ देखते हैं। देखो असल तुम सोए नहीं? नहीं सर, नहीं जगह नहीं है। सोया के कमरे में चीखने की आवाजें आ रही हैं। चलो आओ देखते हैं। फिर मैंने तुम लोगों को आवाजें दी। मैं तुम लोगों को पहले से कह रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग Come on, Sonia. You're a brave girl. तुम्हें कब से डर लगने लगा? नहीं, पता है, यहाँ मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। रुहान, मेरा ख्याल है तुम फिर आज यहीं सो जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अकेला नहीं सोऊंगा। यहाँ और मैट्रेस लगवा लेते हैं, तुम भी यहीं आ जाओ। ठीक है, रूम सर्विस को करो फोन, मैट्रेस का कहो। हेलो। पहला बार खाली गया। इतनी जल्दी ऑपरेशन शुरू हो गया? जनाब वहाब साहब, आपने काम किन के जिम्मे लगाया? काम तो आज ही हो जाता, लेकिन वो बच्चे के हाथ लगी नहीं आपकी बेटी। हाय फरहान, बैठो बैठो, वेलकम बैक। मुझे भी शैला ने बताया कि आपने अपना डिजाइन वापस ले लिया। एक्चुअली मिस सहर, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप ही की बातों की वजह से मैं सही फैसला कर पाया। इवन आई वांट से थैंक्स टू यू। वो किस लिए? आपने मेरी बात को रद्द नहीं किया। आप मुझसे कुछ बात करना चाह रही हैं? हाँ, वो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। तो आप कितनी देर तक फ्री हो के मेरे ऑफिस में आ रहे हो? अब बस मुझे आधा घंटा दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मैम के हवाले करने हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। आई विल वेट।
तुम्हारा बार बार यहाँ आना बता रहा है कि तुम पछता रहे हो, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। फायदा पछता रहा हूं, वापस आना चाहता हूं, लेकिन जब वक्त बीत जाए तो वापस बुलाना बेसूद होता है। और अगर मैं माफी मांगना चाहूं तो वहाब निजामानी और माफी अगर कोई अपनी गलती मान ले तो उसे जता जता कर उसके गलती मानने को एहसासी जुर्म नहीं बना देना चाहिए। बेटी को कैसे कबूल करोगे? क्या फिर उसके धमकाने से डर गए हो? जो भी समझो, लेकिन सच तो यह है कि ये मेरे वजूद का हिस्सा है। मैंने ये गलत सोचना शुरू कर दिया था, अब मेरा साथ तो मैं वापस आना चाहता हूं। औरत के वजूद से तीन मीम फूटते हैं, ममता, माफी और मोहब्बत। मैं नमाज पढ़ लूं फिर